मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो कलह है वह थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इस कलह के बीच भारतीय जनता पार्टी अलग अलग रणनीतियां बनाती हुई देखी जा रही है। बीते 4 महीनों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहां पर तीसरा दौरा देखने को मिला। जी हां, बीते कल 28 जनवरी के दिन पीएम नरेंद्र मोदी भगवान देव नारायण जी के जन्म स्थल पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान देव नारायण जी के दर्शन किए, वहीं हुंकार भरते हुए भी नजर आए। दरअसल उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस जनसभा में जो बात देखने को मिली, जो चौंकाने वाले फैसले सामने आए वो यही रहे कि यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं तक को आमंत्रित नहीं किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस जनसभा का आखिरकार मोटिव क्या कुछ रहा, क्योंकि दावे ये किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं गुर्जर समुदाय को लेकर यहां पर वोट बैंक को साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की रणनीति ये हो सकती है कि देव नारायण कॉरिडोर पर वह जरूर कोई घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और ऐसे में देखा जाए तो गुर्जर समुदाय, गुर्जर वोट बैंक जो है वह साधते हुए नजर आते हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए सचिन पायलट खुद को आगे रखे हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो सीएम अशोक गहलोत सीएम कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते, तो दोनों के बीच इस वक्त जंग जारी है। लेकिन अगर पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर कोई गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए यहां पर ये बड़ी अनाउंसमेंट कर देते, जो गुर्जर समुदाय के जो भगवान है देव नारायण जी, अगर यहाँ पर देव नारायण कॉरिडोर को लेकर कोई घोषणा कर देते तो शायद गुर्जर समुदाय का झुकाव यहाँ पर बीजेपी के लिए देखने को मिलता। ऐसे में देखा जाए तो देव नारायण जन्म स्थल को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने कोई भी घोषणा नहीं की है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर सचिन पायलट भी मैदान में उतरे। सचिन पायलट ने 16 से 20 जनवरी को शक्ति प्रदर्शन तो किया, लेकिन दूसरी ही तरफ वह देव नारायण जी के दर्शन करने भी पहुंच गए। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सचिन पायलट की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों पर गौर किया जाए तो हाल ही में जो तस्वीर सामने आई है जिस पर लिखा है कि आराध्य देव श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री देव नारायण जी 1111वें जन्मोत्सव पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, दरबार का आशीर्वाद हमेशा आप सभी पर बना रहे। यहां पर सचिन पायलट झोंक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही सचिन पायलट की और भी तमाम तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर लोक देवता गौभक्त सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के जन्मोत्सव की भी उन्होंने बधाई दी। वहीं दूसरी ही तरफ सचिन पायलट ने आराध्य देव भगवान श्री देव नारायण जी के जन्मोत्सव की छठ की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। तो सचिन पायलट की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान जब पहुंचे तो गुर्जर समुदाय पर उन्होंने कहा कि सदैव राष्ट्रीय प्रहरी की भूमिका निभाई, दुर्भाग्यवश इस समाज को इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाए जिसका ये हकदार था। नया भारत बीते दशकों को उन भूलों को सुधार रहा है। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। भगवान देव नारायण ने जो रास्ता दिखाया उसी पर 8 से 9 वर्षों राजस्थान सहित पूरे देश में उपेक्षित और वंचित वर्गों को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो देव नारायण जी की भूमि पर पहुंचकर उन्होंने यहां पर बात रखी है कि ये सौभाग्य रहा कि महत्वपूर्ण कालखंड में हमारे समाज के भीतर से एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो सबको दिशा दिखाती है। भगवान देव नारायण भी एक ऐसी ही ऊर्जा पुंत थे जिन्होंने अत्याचारियों से हमारी संस्कृति की रक्षा की। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां एक तरफ अपनी बात इस तरह से रखे, वहीं दूसरी ही तरफ सचिन पायलट भी गुर्जर समुदाय को अपनी तरफ रखने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, जो वाकई में यहां पर बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं मानी जा सकती है सचिन पायलट की तरफ से। फिलहाल देखा जाए त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को वह कैसे चुनौतियां देते हुए दिखाई देते हैं। साल 2023 में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और सचिन पायलट लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।